हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, अगर आप सभी इंतज़ार कर रहे हैं तो आप सभी के लिए ये एक लंबा समय भी हो सकता है, क्योंकि उम्मीदवारों के सवाल तो बहुत हैं पर राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के पास इनके जवाब नहीं है दोस्तों। पर दोस्तों, क्या असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्ज़ाम है उसको लेकर अधिकारियों की फिर से एक बड़ी अपडेट आई है, और यह बड़ी अपडेट उम्मीदवारों को अपने एग्ज़ाम के लिए काफ़ी लंबा समय भी ले जा सकती है। दोस्तों, ऐसा क्यों वो मैं आप सभी को बता रहा हूँ, क्योंकि यह जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अस्पष्ट होने वाला है। क्या असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम के लिए जो उम्मीदवार तैयारी कर रहे हैं, क्या उनकी एग्ज़ाम टाइम पे हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये एक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। तो दोस्तों, इसी को लेकर एक बहुत ही विशेष यहाँ पर जो है सूचना आ रही है एग्ज़ाम डेट को लेकर। साथ ही दोस्तों, उम्मीदवारों का यह भी कहना है कि जो हमने अपने फॉर्म के लिए जो अप्लाई किया है, क्या उसके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सिलेबस है, क्या वो उतने समय में हम कवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है दोस्तों। तो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को दोस्तों यहाँ पर दे देता हूँ, क्योंकि ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो उम्मीदवारों को जानना बहुत ही ज़्यादा दोस्तों ज़रूरी होता है। दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम डेट को बात करें तो आप सभी को पता है कि राजस्थान के अंदर आचार संहिता लग चुकी है, और इसकी जो प्रोसेस है वो नवम्बर तक चलेगी। नवम्बर तक चलने के बाद दोस्तों, जो प्रक्रिया है उन सभी चीज़ों को दिसंबर तक क्लियर किया जाएगा, यानी कि 2023 जो है आचार संहिता और उन्हें पदभार संभालने में दोस्तों जो 2023 का समय है वो यहाँ पर चल जाएगा। फिर उसके बाद बनती है कि जनवरी और फरवरी में क्या असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम को कराएगा आरपीएससी। और दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, साथ ही दोस्तों यहाँ पर कई सारी इंटरव्यू आरपीएससी द्वारा अभी होल्ड कर दी गई है, और दोस्तों इसको लेकर कोई भी कमेटी का अभी तक गठन आरपीएससी नहीं कर पाया है कि आचार संहिता में इन सभी चीज़ों को पूरा किया जाए। पर दोस्तों, क्या उन उम्मीदवारों के पास पूरा तरह से जो है टाइम है अपनी प्रिपरेशन को पूरा करने का? तो दोस्तों, उम्मीदवारों के पास काफ़ी लंबा समय यहाँ पर होने वाला है। क्यों? क्योंकि दोस्तों 10% ऐसे चांस लग रहे हैं कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो फरवरी में 2024 से कराई जाएगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि मार्च के अंदर आप सभी के बोर्ड के भी एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं, और बोर्ड के एग्ज़ाम के साथ यहाँ पर जो है राज्य सरकार कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता है। तो जो आप सभी की एग्ज़ाम है वो आने वाले समय में जून और जुलाई में भी दोस्तों यहाँ पर जा सकते हैं, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। पर दोस्तों, आप सभी के लिए अगर प्रिपरेशन के मोटिव से देख रहे हैं तो आप सभी के सामने असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करने के लिए काफ़ी टाइम है, और साथ ही आप यहां पर दो बार यूजीसी को क्वालिफाइड भी कर सकते हैं जो उम्मीदवार असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आप सभी के पास पूरा टाइम है अपनी एग्ज़ामों को लेकर, जो अपने सिलेबस है कवर करने को लेकर। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी तैयारी है वो सफलतापूर्वक हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, तो यहाँ पर आप जान लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर के उम्मीदवारों के लिए जो उनकी एग्ज़ाम है उनसे काफ़ी लंबा समय दिया गया है उनकी तैयारी को लेकर। तो इन चीज़ों को लेकर जो आप सभी की तैयारी है वो हो सकती है, और दोस्तों जो जो एग्ज़ाम डेट की संभावना है वो जून या जुलाई में अब निकल कर आ रही है। तो दोस्तों, अभी के लिए अपडेट आ रही थी जो हमारे चैनल के माध्यम से शेयर किया गया। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।